21 अक्टूबर 1981 सिहर्फी का 8वां और आखिरी पाठ। परस परसे करे अंग सोहंगारे भाई, परस परसे करे अंग सोहंगा, भूत आत्मा करे निज रंग रे भाई, भूत आत्मा करे निज रंगा। जब भी पारस और लोहे की मुलाकात होती है तो पारस की ताकत और उसकी जो शक्ति है उससे लोहे का सारा अंग बदल जाता है और वो लो लेवल में से हाई लेवल के ऊपर आ जाता है, यानी वो लोहा मिट के सोना बन जाता है। पारस परसे करे अंग सोहंगा, भूत आत्मा करे निजरंगा, और उसकी जो असल हालत थी उसको भूत कहते हैं, रूहानी को, आत्मा का मतलब रूह, तो उसकी जो रूहानियत है उसकी रूह की वजह से हमेशा ऊंची उठती है। निजरंगा का मतलब पक्का रंग जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी फिर मिटे नहीं। ऐसा नहीं है कि वो सोना बन के कुछ दिनों के बाद या कुछ मुद्दत के बाद फिर वो लोहा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो कभी सोना बन गया तो फिर वो हमेशा के लिए सोना है। मतलब यह है कि पारस है वो मुर्शिद है, और मुर्शिद की जब मुलाकात, मुर्शिद की भेटना और मुर्शिद की जब ताबेदारी के ऊपर अमल करके एक जो उसका मुरीद है पलट जाता है तो वो लोहे में से सोना बन जाता है, यानी जिल्लत और खुआरी में से निकल के वो इज्जत महमूद के दर्जे पे पहुंचता है, और उसकी जो रूहानियत है वो रूहानियत ऐसी मंजिल तय करती है कि जिस मंजिल से फिर वो नीचे नहीं उतरता बल्कि हमेशा वो ऊपर ही रहता है। फना कर डाले रे भाई, देहा जीव फना कर डाले, एक ही ब्रह्म माहे आपस माले रे भाई, एक ही ब्रह्म माहे आपस माले। पारसुरपी मुर्शिद की संगत से जो मुरीद है वो कुंदन बन जाता है, देह और जीव जो उसकी असल चीज यानी जिल्लत और खुआरी में पस्ती में पड़ा हुआ था, वो नीच था, लोहे की हालत में था, वो हालत उसकी पलट गई, जाहिर से भी बातुन से भी। देह का मतलब जाहिर की, जीव का मतलब है बातुन की, यानी वो बदनी तौर पर और रूहानी तौर पर वो जो अपनी असल जिल्लत और खुआरी और पस्ती की हालत में था उसमें वो मिट गया। देह जीव फना कर डाले, एक ही ब्रह्म माहे आपस माले, और फिर वो सिर्फ उस ब्रह्म के अंदर के जो जात खुदावंदी का परताव है, जात खुदावंदी का नूर है, उसके अंदर वो आपस को यानी खुद को मिक्स हुआ हुआ समझता है, और उसके अंदर वो ओतप्रोत हो जाता है, उसके अंदर ऐसा वो तहलील हो जाता है कि उसकी खुद की जात मिट जाती है और सिर्फ वो जात इलाही का ही तजरिबा और उसी की लज्जत और सुरूर उठाता है। आजीवते जीव जिन्हें अपना खोया रे भाई,
जीवत जीव जिने अपना खोया, जीवत आप को आप ही पाया रे भाई, जीवत आप को आप ही पाया। जिंदगी में उस मुरीद ने मुर्शद की सोहबत और संगत और मुर्शद की मेहरबानी की वजह से अगर उसने जिंदगी में अपने खुद को मिटा दिया, खुदी दूर हो गई, दुई दूर हो गई, तो क्या हुआ कि उसने मुर्शद के साथ अपने आप को पाया, जीवते आप को आप ही पाया। उसने खुद को यानी खुद उसका जो खुदी थी वो मिट के खुद को पाया, मतलब ये था कि वो गुम हो चुका था दुनिया की मोहब्बत के अंदर, मुर्शद से दूर हो चुका था, मगर उसने अपनी इस दुनियावी पस्ती को मिटा के यानी खुद को उसने मुर्शद की मोहब्बत के अंदर बिल्कुल मिक्स करके हल करके जब उसने खुद को पाया तो क्या देखा कि अपने अंदर उसने मुर्शद का नूर देखा। हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम का कलाम मुबारक है कि मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने अपने खुद को पहचान लिया, अपने आप को पहचान लिया, अपने नफ्स को पहचान लिया, उसने खुदा ताला को पहचान लिया। यानी मारिफत इलाही जो है वो यही है कि वो खुद को पहचाने। अभी खुद को पहचानने का मतलब ये है कि वो आदमी यूं समझता है कि मैं कुछ नहीं, उसके अंदर मगरूरी नहीं, उसके अंदर खुद गर्जी नहीं, उसके अंदर बदी बुराई का कोई शायबा नहीं। जब इंसान अपने को पहचान लेवे कि मैं कुछ नहीं, सिर्फ जाते इलाही वही है सब कुछ, हयुल कयूम और कुछ नहीं, तो वो इस चीज को जानता है कि अल्लाह ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, जितने भी नफ्स हैं उनको एक दिन फना होने वाली है। मगर जिस इंसान ने अपनी जिंदगी अपनी हयात के अंदर ही अपनी मौत का मजा चख लिया तो उसने अपने आप को खुदा ताला की जात के अंदर पाया। सतगुरु कृपा निज हुई संपूर्ण भाई, सतगुरु कृपा निज हुई संपूर्ण, खलक खालक दो एक ही पूरण भाई, खलक खालक दोये एक ही पूरण। मुर्शद की जब मेहरबानी उसके ऊपर मुकम्मल हुई, मुरीद के ऊपर जब मुकम्मल मेहरबान हो गया उसका मुर्शद उस पे, तो उसने क्या पाया कि खालिक और मखलूक दोनों मिल के एक ही हालत में हो गए। ये वो फना फिल्ला का दर्जा है कि जहां मखलूक खुद को खालिक के अंदर फना कर देती है। एक पानी का गिलास जो हमको किसी नदी में से या कुएं में से या बारिश के पानी में से मिला है, हमने वो पानी अगर समुन्दर के अंदर डाल दिया तो उस पानी की गिलास वाले पानी की असलियत तो मिट गई और वो समुन्दर की तरह पानी जैसा पानी हो गया। समुन्दर का ये पानी उड़ता है भाप बन के, बारिश बन के जमीन के ऊपर गिरता है, वो कुओं में पहुंचता है जब जमीन उसको जज्ब कर लेती है, या वो नदी नहरों के अंदर बह जाता है, मगर फिर जब वो समुन्दर के अंदर आ जाता है तो उसकी जो खुद की हैसियत है यानी वो जो मिठास है वो मिट के समुन्दर के अंदर जो नमकीनी है वैसे का वैसा ही वो बन जाता है। मुर्शद की संगत के अंदर मुरीद जब मिल जाता है और मुर्शद के साथ एक हो जाता है तो फिर उसके मेहरबानी होती है मुर्शद की, तो उस मखलूक को खालिक की जात पाक के अंदर फना हो जाने का रास्ता बता देता है।
ऐ जीवन मुगत जीव अपना दे खेर भाई, जीवन मुगत जीव अपना देखे, महा मुगता जीव पल पल पे खेर भाई, महा मुगता जीव पल पल पे खे। जिंदगी और नजात यानी मुक्ति वो अपने जीव के अंदर देखता है, उसको हयात और मौत का पता लगता है, वो जिंदगी और जिंदगी की मंजिलें खुद ही देखता है। और क्या होता है कि जो बिल्कुल महामुग्धा जीव, जो बिल्कुल नजात पाया हुआ बहुत उत्तम आत्मा, आला दर्जे की जो रूह है, वो खुद पल पल देखता है और उसका स्वाद और तजुर्बा चखता है। जिंदगी के अंदर उसको मौत और हयात के जो मसाइल हैं वो पता लगता है, जिंदगी के अंदर उसको जिंदगी से पहले और जिंदगी के बाद, मौत से पहले और मौत के बाद, इन तमाम हकीकतों का उसकी नजर के सामने मुशाहदा होता है। वो इन चीजों को खुद देखता है और ताज्जुब करता है, और इसके साथ साथ मौत के बाद जो उसको नजात मिलने की जो पोजीशन और हालत है, जिंदगी के अंदर अपनी उस बुलंदी को वो देखता है, महसूस करता है कि जब वो मौत के बाद नजात पाके करने वाला है, ये चीज उसको जिंदगी के अंदर मिलती है, और पल पल उसका मुशाहदा करके उसकी मस्ती और सुरूर के अंदर लज़्ज़त उठाता है। अखंड वाको निज है आनंदारे भाई, अखंड वाको निज है आनंदा, आनंदा सोही जो परमानंद रे भाई, आनंद वो ही जो परमानंद। वाह वाह, ये पाठ कितना गंभीर, कितना रिच है, कितना इसके अंदर छुपा हुआ खजाना है। फरमाते हैं कि अखंड वहां को निज है आनंदा, ऊपर की मंजिल पे पहुंचा हुआ वो आदमी कि जो अपनी जिंदगी के अंदर मौत और हयात की मुशाहदे करता है, मौत के बाद नजात की जो खुशियां और सुख है वो जिंदगी के अंदर ही उठा रहा है, और उन तजुर्बों का मजा उठा के उसकी मस्ती के अंदर पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि उसके लिए अखंड आनंद है। अखंड, अखंड कहते हैं कभी न टूटने वाला, निज कहते हैं हमेशा रहने वाला आनंद, न टूटने वाला, हमेशा एक ही हालत में रहने वाला वो जो आनंद, इत्मीनान और सुख, उसको जो खुशी है वो ऐसी है कि आनंदा सोही जो परमानंदा, ये दर्जा, ये आनंद, ये सुख, ये खुशी, ये मस्ती, ये सुरूर उसको तभी मिलता है कि जब वो खुदा की जात पाक के अंदर के जो परमानंद है, जो खुद चश्मा है तमाम खुशियों का, तमाम किस्म के इत्मीनान का और सुख का, वही है, वही और कोई नहीं। अंत सलाम, ये परमानंद की हालत है अल्लाह की। अंत सलाम व मिनक सलाम व अलैका यरजउस सलाम, हय्यना रब्बना बिस सलाम व अदखिलना दार सलाम, تباركت ربنا وتعالت يا ذا الجلال والاكرام। ये जो कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह की जात पाक की ये जो तारीफ कही गई है वो यहाँ है कि अखंड वहां को निज है आनंदा, आनंदा सुही जो परमानंदा। परमानंद जो है वो खुद खुदावंद पाक की जात है, वो खुद सलाम है, यहाँ सलामती ही सलामती है, खुशी ही खुशी है,
वहां ना कोई गम है, ना कोई दुख है, ना कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई चीज का दर्द नहीं। तो ये जो हालत है उस आबिद को कि जो मुर्शिद के हुक्म के ऊपर उसकी कंप्लीट मुकम्मल ताबेदारी में रह के जब उसकी मेहरबानी हासिल करता है तो मुर्शिद उसको बुलंद कर देता है, मुर्शिद उसकी नीच हालत पस्ती की हालत को बदला के मिटा के उसको जाहिर में भी बातुन में भी ऊंचा कर देता है। लोहे का काला रंग भी बदल जाता है, उसका पीला रंग आ जाता है, और जो लोहे की कम कीमत होती है वो भी बदल के वो सोने की तरह ऊंची कीमत का बन जाता है, और वो तमाम सिफतें जो सोने के अंदर हैं वो लोहे से मिट के सोने की सब सिफतें उसको मिल जाती हैं। तो मुरीद जो है मुर्शिद की सोहबत और उसकी ताबेदारी में रह के उस बुलंदी तक पहुंचता है कि खुदा की जात पाक के साथ एक हो जाता है, और जिंदगी के अंदर वो तमाम मजे उठाता है कि जो मौत के बाद रूहानियत के अंदर उसको मिलने वाले होते हैं। ये हालत परमानंद की हालत है, इसी को अखंड आनंद कहा गया। ए गुरु चेला ना रहे या कोई रे भाई, गुरु चेला ना रहे या कोई, सोही रहे जासो श्रेष्ठ होई रे भाई, सोही रहे जासो श्रेष्ठ होई। इस हालत पे पहुंचने के बाद मुर्शिद और मुरीद एक हो गए, न गुरु जुदा रहा न चेला जुदा रहा, दुई मिट गई, यकताई आ गई, यूनियन हो गया, मिलाप हो गया, वस्ल हो गया, गुरु चेला न रहा कोई, सोई रहा जासो सृष्टि होई। रहा कौन कि जिसने सृष्टि खल्क की, खालिक रह गया, बाकी सब कुछ मिट गया, मखलूक मिल गई मिट गई, खलकत भी मिट गई, यानी उसकी हालत मखलूक मिट के हालत खालक हो गई, खालक के साथ वो एक हो गया, वो वसल हक पा गया। वाह बहुत अच्छी चीज है ये। ए सर्जन हारा सो एक याने कारे भाई, सर्जन हारा सो एक अनेकार, ए गुरु चेला सब उसमें छेकार भाई, गुरु चेला हारा सो एक अनेका। वो जो खालिक है जिसने सब कुछ पैदा किया है वो एक भी है और अनेक भी है, वहदत में भी है कसरत में भी है, वो एक मरकज से भी है और हर जगह वो छाया हुआ है समाया हुआ है। उसकी इन दोनों हालतों को समझने और पाने के लिए ये हालत जो ऊपर बयान की गई कि मुरीद मुर्शिद की कंप्लीट ताबेदारी करके मुर्शिद की मेहरबानी हासिल करके मुर्शिद के अंदर फना होके फिर मुर्शिद और मुरीद दोनों खुद को उस इलाही जात में फना करके अपनी दुई को मिटा डालते हैं, न मुर्शिद रहा न मुरीद रहा न गुरु रहा न चेला रहा, रहा तो जात पाक का वो यकता, एक मरकज एक बिंदु रहा। सर्जनहारा तो एक अनेका, गुरु चेला सब उसमें छेका,
छेका कहते हैं, किसी चीज को काट देना, मिटा देना। यानी गुरु भी मिट गया, चेला भी मिट गया, सब वही पाक जात रही, वही महबूब रहा। मुर्शिद जो था उसने जाहिर के अंदर मुरीद को रास्ता बनाया, तो मुर्शिद एक किस्म का संबंध या कनेक्शन या चेन बना, लिंक बन गया मुरीद और खालिद के दरमियान। तो जब ही मुर्शिद मुरीद के अंदर फना हो गया तो मुरीद को लेके मुर्शिद खुद भी जाते इलाही में फना हो गया। सूफियों के अंदर ये तीन दर्जे हैं, कहते हैं फना फिर शेख, फना फिर रसूल, फना फिर ला। हमारे यहाँ वो शेख वगैरह के कोई दर्जे नहीं, हम तो पीर और इमाम दोनों को मानते हैं। ये जो शाह पीर के दर्जे हैं, मुरीद जो है वो, यानी इस्माइली मजहब की मैं बात करता हूँ कि मुरीद पीर के पास जाके जब भी बैतुल ख्याल का इसमें आजम रहता है तो ये इसमें आजम उसकी कैरिज बनती है, इसमें आजम उस मुरीद के लिए बुर्राक बनता है, वो घोड़ा के जिसके ऊपर रसूल अकरम ने सवारी की और अर्श के ऊपर मेराज करने के लिए गए। तो ये जो इसमें आजम है ये खुद एक किस्म का मुर्शिद है, जैसे कि गुरु पे शम्स पर माँ बाप ने फरमाया है, सत शब्द है गुरु हमारा, सत शब्द है गुरु हमारा, ताको लखे न ये सुन सारा, अरे ताको लखे न ये सुन सारा। शम्स फरमाया ये जो सत शब्द यानी इसमें आजम है यही मेरा मुर्शिद है, और जो पीर है हमारे यहाँ वो तो नबूवत का नूर है। तो शब्द जो है वो शेख हो गया, और रसूल का नूर नूरे मोहम्मदी है वो पीर है, और इलाही पाक जात का जो नूर है वो इमाम है। तो इस सत शब्द की ताबेदारी करके यानी सत्य शब्द के ऊपर इसमें आजम के ऊपर अमल करके पीर के बताए हुए रास्ते के ऊपर अपनी बदियों बुराइयों को छोड़ के अपनी जिंदगी को तमाम शैतानी कामों से पाक करके हसद निंदा बुग़्ज़ ईर्ष्या खुदगर्जी स्वार्थ व्रति जिसको कहते हैं लालच मोह ममता ये सब तेरी मेरी का तमाम धंधा छोड़ के मुर्शिद के हुक्म के ऊपर अमल करके अपनी अंदरूनी और बैरूनी जाहिर बात उनकी तमाम बुराइयों गुनाहों बदनियों को और तमाम कमजोरियों को दूर करके जब वो आदमी वो मुरीद ऊंचा चढ़ता है, लोहे का रंग निकालता जाता है, सोना बनता जाता है, और जब वो प्योर खालिस कुंदन सोना बन जाता है तो फिर वो नूरे मोहम्मदी में फना होके अल्लाह की पाक जात के नूर के अंदर फना हो जाता है। ये वो दर्जा है कि सिरजनहार सो एक अनेका, गुरु चेला सब उसमें छेका, सब कुछ मिट गया सिर्फ वो पाक जात रही। आप खोया कब पाया मरमर भाई, आप खोया तब पाया मरम, देखे दिखावे सोहंग ब्रह्मर भाई, देखे दिखावे सोहंग ब्रह्म, खुद को मिटा के खुदी को मिटा के अपनी हस्ती को फना करके जब उसने ये भेद पाया, जब उसने ये इसरार और रमज पाई, जब उसको इस बात की मारिफत हुई, तो वो फिर वो
देखे दिखावे सोहंग ब्रह्म, फिर वो देखता भी है और दूसरों को दिखा भी सकता है। सोहंग मरम, अपनी सांस के रहे अंदर रहने वाले उस ब्रह्म को, उस पाक जात को कि जिसने तमाम खलकत पैदा की, उस ब्रह्म की हालत यानी वो खालिस नूर मोहम्मदी को वो अपने साथ मिला हुआ पाता है, तो उस वक्त वो देखता भी है दिखाता भी है, देखता भी है दिखाता भी है। इसने डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहता है, कहता है कि नमूद तेरी नमूद उसकी नमूद उसकी नमूद तेरी, खुदा को तू बेहिजाब कर दे, खुदा तुझे बेहिजाब कर दे। कहता है तेरी अगर हस्ती है तो उसकी हस्ती है, और अगर उसकी हस्ती है तो तेरी हस्ती है। मतलब ये कि तू इसलिए मौजूद है कि उसकी मर्जी है, जब वो चाहेगा तो तेरी हस्ती को मिटा के वो खुद ब खुद ही खुद हो जाएगा, तू खुदा को जाहिर कर दे, यानी खुदा और तेरे दरमियान जो पर्दा है तू उसको उठा दे, तो खुदा तेरे और मेरे दरमियान जो पर्दा है वो उठा दे देगा। अगला पाठ बहुत समझने जैसा है। ए कीट भमरी का तमें देखो खेला रे भाई, कीट भमरी का तमें देखो खेला, ऐसा पाया गुरसों चेला रे भाई, ऐसा पाया गुरसों चेला। एक मिसाल देखते हैं, एग्जाम्पल के गुरु और चेले का हाल ऐसा है कि जो कीट है वो बहुत नजीवा छोटा सा सिंगल सेल की तरह एक छोटा कीड़ा है, लेकिन भमरी उसको चटके मार मार के डंक मार मार के उसको ऐसा कर देती है कि वो कीट मिल के भमरी बन जाती है। इसी तरह से कहते हैं कि मुर्शद की जो फरमान बरदारी है उसके अंदर चटके हैं यानी दर्द है, तकलीफें हैं, मोह ममता ईर्षा हसद बुगज कीना खुद गर्जी लालच फिरत, इन सब चीजों को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन मुर्शिद के बोल के ऊपर जब ही अमल करता है तो वो जो दर्द होता है वो ऐसा दर्द है कि जैसे भमरा भमड़ी जो है वो कीट को चटका भरती डंक मारती है, तो इस तरह से फिर वो जो कीट है वो मिट के भमड़ी बन जाती है, वो भमरी की तरह हो जाती है। इसी तरह से मुर्शिद के हुक्म के ऊपर अमल करने से चेला जो है वो खुद गुरु की तरह बन जाता है, और चेले और गुरु के अंदर मुर्शिद और मुरीद की जो दूरी है वो मिट के यकजाई हो जाती है। यकजाई, फिर शम्स का वो पाठ याद करो, ए जी हम तुम प्रीत बंधानिया, अने हम तुम बोले बोल, ए हम तुम दोनों साया एक है साया, हम सों
सहजे शीतल महल में भाई अहमद तब वैकुंठ की अहमद तब वैकुंठ की आशा करे बलाए रे भाई आशा करे बलाए। इबादत में जब ये आबिद मस्त हो जाता है, यकसुई मिलती है, मन की एकाग्रता, इत्मीनान और खुशी होती है और वो खुद को मुर्शिद के अंदर इसमें आजम के जरिए से फना कर देता है, जब अपनी हस्ती को बिल्कुल भूल जाता है, मिटा देता है, सिर्फ वही पाक जात के सिवा और किसी भी किस्म की उसको कोई भी चीज की फीलिंग या एहसास नहीं होता, तो उस वक्त उसके अंतकरण में, उसके बातन के अंदर जो खुशी, इत्मीनान, सुख और शांति और वो जो ठंडक है, और ऐसी हालत में जब वो अपने सामने अपने उस महबूब को पाता है, तो नूर अहमद शाह कहते हैं कि उस वक्त ऐ अहमद जन्नत की आशा, जन्नत की आरजू मेरी बला करे। मतलब कि जन्नत वैकुंठ हेज है उस हालत के सामने कि जब एक आबिद अपनी इबादत में, अपने अंतकरण में, अपने बातुन के अंदर अपने महबूब को सामने खड़ा हुआ पाता है, उसकी मुलाकात होती है, उसका दीदार मिलता है, तो फरमाते हैं जन्नत उसके सामने तुच्छ है, हकीर है, कुछ नहीं। उस हालत की आरजू करनी चाहिए कि उसको ज़ात महबूब का दीदार होवे, उसको तजल्ली मिले, उसको वो जलवा मिले कि जिस जलवे को पाने के बाद फिर कभी भी उस मस्ती में से नीचे नहीं गिरता और वो हमेशा उस हालत के अंदर मस्त रहता है, वो जिंदगी के अंदर जिंदगी के बाद के मजे भी उठाता है, और उसकी हालत ऐसी है कि मुर्शिद और मुरीद एक होके उस ज़ात बारी ताला के अंदर फना हो गए, महज सिर्फ तू ही तू रह गया, हु अल्लाहु अहद रह गया, बाकी सब कुछ मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولا کا شکرانہ کہ آٹھ بیٹھکوں میٹنگوں کے بعد آج فی حرفی پوری ہوئی اور یہ معرفت سے بھری ہوئی کتاب ہمارے لیے ایک بہت اچھا قسم کا رستہ بتانے والی ایک شمع ہے, ایک بتی ہے کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں, اس کے ایک ایک بول کے اندر حقیقت اور معرفت کے پردے کھلے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ الحمدللہ, آپ سب کا بہت شکریہ اور سب کو یہ عالی مدد. انشاءاللہ پھر کسی اور شاستر کو, کسی اور کتاب کو لے کے ہم اس کے اوپر بھی اسی طرح کی بیٹھک کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہم پی صدر دین کا سلوکا جو 120 پاٹھ کا ہے اس کو شروع کریں. اس کے اندر بھی زندگی کے بہت سے مسائل حل کیے گئے ہیں, یعنی بہت سے پرابلم سالو کیے گئے ہیں, اور روحانیت پانے کے لیے انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے سلوکے کے اندر ہے. چھوٹا سلوکا ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر شمس کا بڑا سلوکا بھی کریں گے کہ جس کے 240 پاٹھ ہیں. یا علی مدد.